अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। सो उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। सो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे सिस्टमा का विटामिन सी सीरम के बारे में। आई नो ये बॉटल एम्प्टी है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ और अभी इसकी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। सो मैंने सोचा इस पर मैं वीडियो क्यों नहीं बनाती और आप लोगों के साथ इसकी इसकी जितनी भी बेनिफिट्स हैं वो शेयर क्यों नहीं करती। सो सबसे पहले नंबर पर ये अभी तक का मेरा सबसे 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 फेवरेट विटामिन सी सीरम है, जो मैं काफ़ी एक लंबे अरसे से यूज़ कर रही हूँ। ये ख़त्म हो जाता है मैं दोबारा ऑर्डर करती हूँ, ख़त्म हो जाता है दोबारा ऑर्डर करती हूँ, बिकॉज ये बहुत बहुत मज़े की प्रोडक्ट है। और मैं चाहूँगी कि मैं अपने सारे जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो ये प्रोडक्ट एक दफ़ा ज़रूर यूज़ करें लाइफ में एक दफ़ा। नंबर वन पर आप सभी को पता है विटामिन सी हमारे स्किन के लिए कितना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सो हम आज इस प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी बेनिफिट्स हैं। नंबर वन पर इसमें है 12% प्योर विटामिन सी सीरम, जो आपकी स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करता है। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है या वो थोड़ा सा अपने कलर को ब्राइट करना चाहते हैं, लाइट करना चाहते हैं अपने स्किन कलर को, तो वो विटामिन ये वाला सीरम यूज़ कर सकते हैं। नंबर टू पर ये आपकी स्किन को क्लियर करता है। अगर आपकी स्किन अनइवन स्किन टोन है तो आप इसको मस्ट इस्तेमाल करें, यह आपकी स्किन को इवन टोन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा आपकी स्किन पर अगर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, अगर आपकी स्किन में डलनेस है और सन डैमेज हो चुका है आपकी स्किन पर, तो आज आप इसे आज ही इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं। यह आपकी स्किन पर रिंकल्स को अपीयरेंस रिंकल्स को आने में बिल्कुल भी जगह नहीं देता। यह आपकी स्किन पर जितने भी रिंकल्स होते हैं, जितनी भी फाइन लाइन्स होती हैं, नंबर वन पर उनको ख़त्म करता है। और अगर आपकी स्किन पर रिंकल्स या फाइन लाइन आ रही हो तो ये उनको अच्छा खासा मार के भगा देता है। सो ये आपकी स्किन पर रिंकल्स को आने से भी हेल्प करता है, जाने से मतलब कि हेल्प करता है। इसके अलावा ये आपकी स्किन में कॉलेजन को बूस्ट करता है, ताकि आपकी स्किन किसी भी तरह के एजिंग साइंस आपकी स्किन पर ना आए। ये आपकी स्किन पर सॉफ्टनेस को बहुत ज़्यादा करता है, स्मूथ करता है आपकी स्किन को, एंड आपकी स्किन में इलास्टिक सिटी में इजाफा करता है। अगर आपकी स्किन में इलास्टिक सिटी और कॉलेजन रहेगी तो आपकी स्किन पर किसी भी तरह के रिंकल्स या फाइन लाइन या एजिंग के साइंस नहीं आएंगे। ये आपकी स्किन के ऊपर फैटिक को ख़त्म करता है। या बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत से हम डेली लाइफ ऐसी हमारी चल रही होती है, स्ट्रेस की वजह से हमारी स्किन बहुत ऐसा लगता है जैसे बहुत फैटिक है, बहुत थकी हुई हमारी स्किन लगती है, तो अगर हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारी स्किन में इस तरह के इश्यूज़ भी क्रिएट नहीं होंगे। ये हमारी स्किन में इल्यूमिनार भी पैदा करता है। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये स्किन में एक इस तरह की शाइन होती है, जो ग्लोइंग ग्लोइंग आपकी स्किन लगती है। जो लोग चाहते हैं कि उनकी स्किन हो जाए कोरियन स्किन की तरह या फिर ग्लास स्किन चाहते हैं, तो वो इसको आज से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। ये बिल्कुल स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मेरा अभी तक का पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं इसे काफ़ी लंबे अरसे से इसको यूज़ कर रही हूँ। अभी बात करते हैं क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। नहीं, इसके कोई कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स नहीं अभी तक के मिले। हाँ, अगर कुछ लोगों को इरिटेशन का इशू, नॉर्मल सेंसिटिव स्किन वालों को होता है, इरिटेशन होती है क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, कुछ भी इस तरह की चीज़ अप्लाई करती हैं, कुछ भी अप्लाई करते हैं तो वो लाइट सा थोड़ी सी इरिटेट उनकी स्किन होती है। सो वो नॉर्मल है, उसको आप इसमें नहीं गिन सकते कि इसको अप्लाई करने से इरिटेशन आपकी स्किन पर हुई है। सो 100 में से 0.001% को भी अगर हुई होगी तो वो बहुत कम इस तरह के चांसेज हैं कि आपको इसको अप्लाई करने से इरिटेशन होगी। इसकी प्राइस की बात की जाए तो इसकी प्राइस 25 यूरो से 32 यूरो तक आपको मिल जाएगी। नॉर्मल मार्केट में 45 यूरो की भी होती है, 50 यूरो में भी होती है, लेकिन आपको 25 के अबव मिलना ये स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा आप इसे किसी भी AHA एसिड के साथ, BHA एसिड के साथ, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, रेटिनोल या लैक्टिक एसिड के साथ आप इसे मिलाकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे भी AHA एसिड, BHA एसिड नाइट को इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको दिन में इस्तेमाल करने की ज़्यादा रिकमेंड करूंगी कि आप इसको दिन में इस्तेमाल कर लें। बाकी जो भी एसिड्स हैं वो आप रात को इसको इस्तेमाल करें। रात को एक्सफोलिएटर चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं और दिन में हमेशा आपकी स्किन को जो डीपली हाइड्रेट करती है, जो आपकी स्किन को काम करती हैं, वो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। सो आई प्रेफर कि आप इसको अप्लाई करें दिन में, इसके बाद आप इसको इसके ऊपर सनब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी तरह का बेटर रहेगा। इसी ब्रांड का सिस्टर्मा का एजली क्रूज सनब्लॉक आप यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन पर किसी भी तरह का पिगमेंटेशन खत्म हो जाएगी। सो अभी आपने इसको अप्लाई किस तरह करना है, आफ्टर क्लींजर आपने अप्लाई करना है हाइलुरोनिक सीरम, उसके बाद आपने अप्लाई करना है ये विटामिन सी सीरम, एंड देन आपने अप्लाई करना है अ गुड सनब्लॉक।
मॉर्निंग के रूटीन में। तो आई होप कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना भी मत भूलिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करना तो आपने भूलना बिल्कुल नहीं है। मेरे टिकटॉक एंड मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो ज़रूर कीजिएगा मजीद वीडियोस देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़। दो में याद रखिएगा, अगर मजीद चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट पर वीडियो बनाओ तो मुझे आप कमेंट करके बता सकती हैं, देन मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। अल्लाह हाफिज़।